नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव और सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की खबर। खबर वाराणसी से है, जहां एक और प्रदेश में लगातार भावी नेताओं के टिकट काटे जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज पाल समाज काफी दुखी व मर्माहत है। पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल पिंटू का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपील है कि पाल समाज के उम्मीदवार उन्नाव लोकसभा सीट को आरक्षित किया गया था, न मालूम किन्हीं कारणों से दूसरे समाज को टिकट दे दिया गया। अभी तक पाल समाज को समाजवादी पार्टी द्वारा कहीं से भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। पूर्वांचल में लगभग 8 से 10 सीटों पर इस लोकसभा पर प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं, जो कि पूर्वांचल में फूलपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली व वाराणसी जैसे जगहों पर पाल समाज अच्छा खासा जनसंख्या रखता है। टिकट न मिलने से पाल समाज काफी आक्रोशित है व अपमानित महसूस कर रहा है। इस मौके पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से अपील करते हैं कि हमारे पाल समाज के उम्मीदवार को टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका प्रदान करें। ऐसी हमारी सपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील है। वाराणसी पिंडरा से जेपी सिंह की रिपोर्ट। का काम करेंगे, लेकिन आज वो घड़ी आ गई है। इस दुख के घड़ी में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव, 2-3 लोकसभा में पाल समाज की अच्छी संख्या है, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ये समाज हमेशा समाजवादी पार्टी का वोट देने का काम किया है, लड़ाने का काम करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये पाल समाज सदैव आजीवन समाजवादी पार्टी का आभार रहने का काम करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल समाज, आज इस दुख के घड़ी में पाल समाज के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने उन्नाव जनपद से पाल समाज के लिए आरक्षित एक सीट दिया था, जिसमें किसी कारणवश टिकट को काट दिया गया। मैं आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। हम लोगों ने प्रतिनिधित्व पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के लोहिया वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हम लोग 3 घंटा तक लगातार मुलाकात करने के लिए खड़े रह गए। 2-3 बार हम लोगों ने चिट्ठी लिख करके भिजवाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कोई रिस्पांस न देने के कारण आज हम लोगों ने इस दुख के घड़ी में हम लोगों ने पाल समाज के लोगों ने ठान लिया है। पूर्वांचल से अभी 8 सीटें घोषित नहीं हुई हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने निवेदन कर रहा है, इस आज मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि पाल समाज की जो कमियाँ हैं, जो पाल समाज में आक्रोशित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, आज जो आशा और उम्मीद समाजवादी पार्टी से रखते हैं, उसमें हक की लड़ाई के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए आज पाल समाज लामबंद होने का काम कर रहा है, जिससे हम लोग चाह रहे हैं कि पूर्वांचल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहते हैं कि पूर्वांचल में अभी 8 सीटें घोषित नहीं हुई हैं, जिसमें कि चंदौली लोकसभा, जौनपुर लोकसभा पाल समाज का बहुत ही बाहुल्य क्षेत्र है और पाल समाज के अच्छी संख्या की स्थिति है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पाल समाज के किसी बेटे को अगर टिकट दे करके लोकसभा लड़ाने का काम करेंगे, तो मैं ऐसा नहीं विश्वास के साथ करता हूं कि समाजवादी आने वाले दिन में समाजवादी पाल समाज लामबंद हो करके समाजवादी पार्टी आदि अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। ऐसी क्या वजह थी कि टिकट काट दिया गया है? किसी कारणवश पेपर ना कंप्लीट होने के कारण पूजा पाल का टिकट काट दिया गया। हम लोगों फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी पूर्वांचल से 8 सीटें बाकी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील कर रहे हैं, पाल समाज निवेदन कर रहा है कि अगर चंदौली से लड़ा दे तो बहुत अच्छा होगा। 8 सीटों में कौन कौन सीटें हैं बाकी? जौनपुर, फूलपुर, चंदौली, वाराणसी और उसमें पाल समाज की संख्या 3 लोकसभा में बहुत अच्छी है। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1 लोकसभा से पाल समाज के किसी बेटे को लड़ाने का काम करें।